देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है और ऐसे में गांव से शहर तक चुनावी चर्चा जोरों पर है। आने वाले भारत की दिशा दशा तय हो रही है। एक तरफ जहां मोदी की गारंटी की खूब चर्चा हो रही है, वहीं कांग्रेस की न्याय गारंटी को तराजू के पैमाने पर चर्चाओं से ही तौला भी जा रहा है। ऐसा ही राजस्थान की जयपुर ग्रामीण सीट पर पल पल चुनावी माहौल बदलता नजर आ रहा है। एक तरफ कांग्रेस चुनाव में खाता खोलने को बेताब है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी हैट्रिक की उम्मीद लगा के बैठी है। देखिए ये रिपोर्ट। जयपुर ग्रामीण हाई प्रोफाइल सीट, जंग मिशन 25। जयपुर ग्रामीण में सीट के समीकरण भी हैं खास। इस सीट पर किसका दबदबा, क्या होंगे नतीजे, उम्मीदवारों के रुतबे, दोनों दलों में टक्कर, कौन भारी, क्या जयपुर ग्रामीण में हैट्रिक लगाएगी बीजेपी, ग्रामीण सीट पर जनता किसके साथ, लोकसभा की बारी, दांव पर दिग्गजों की साख, बीजेपी की हैट्रिक, क्या कांग्रेस का निकलेगा दम, बीजेपी के अनुभवी वर्सेस कांग्रेस के युवाओं में जंग, बीजेपी का मजबूत किला, क्या कांग्रेस लगाएगी सेंध, बीजेपी लहराएगी जीत का झंडा, हाथ के साथ जनता का साथ, गांव पेच की रणनीति मरुधरा में धरातल पर उतरी। राजस्थान लोकसभा चुनाव की रणभेरी के बाद अब चुनावी सभाओं का शोर है। 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव का पहला चरण 19 अप्रैल को है। इस दिन जनता का अहम वोट 4 जून के नतीजे तय करने के लिए काफी होगा। तो राजस्थान में लोकसभा चुनाव में कई जिलों की हॉट सीट पर केंद्र सरकार की नजरें टिकी हैं। ऐसी ही एक हॉट सीट का जिक्र आज हम करने जा रहे हैं और वो है जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट, जहाँ राजनीति के कई दांव पेच चले जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ जातीय समीकरण के आधार पर चुनाव की तैयारी भी की गई है। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर बीजेपी ने राव राजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस से युवा नेता अनिल चोपड़ा को टिकट देकर लोकसभा सीट का दावेदार माना है। लोगों का और राजनीति के जानकारों का मानना है कि राव भी अपना चुनाव मोदी के नाम पर लड़ने के लिए मैदान में डटे हैं। सवाल यहां बड़ा है कि आखिर क्या केंद्र सरकार की योजनाओं के दम पर जयपुर ग्रामीण की सीट राव साहब निकाल पाएंगे। इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह और अनिल चोपड़ा के बीच सीधा मुकाबला है। हालांकि ये मुकाबला अनुभव और युवा प्रतिभा के बीच है। अनिल चोपड़ा राजस्थान विश्वविद्यालय के 4 बार अध्यक्ष रहे हैं। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के 84.4% वोटर गाँव में रहते हैं, वहीं बाकी के 15.6% वोटर शहरी हैं। और ये इलाका वैसे तो जाट और ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। यहाँ जाट और गुर्जर, साथ ही यादव और दलित समाज के मतदाताओं की संख्या भी काफी है। बावजूद इसके राजपूत और यादव वोटर के अलावा मीणा समाज के लोग चुनावी गणित को बनाने और बिगाड़ने का काम करते हैं। यहाँ अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या करीब 15.7% है। इसी प्रकार जनजाति के वोटर करीब 9% हैं, वहीं मुस्लिम मतदाता 3.4% हैं। पिछले चुनाव में तो बीजेपी का ही बोलबाला था, इस बार सबकी निगाहें फिर राज्य पर टिकी हैं। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं जिन पर 2 चरणों में चुनाव होने हैं। इनमें से एक है जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट। ये एक जनरल कैटेगरी की सीट है। परिसीमन के बाद साल 2008 में ये सीट अस्तित्व में आई थी, यानी पहला लोकसभा चुनाव इस सीट पर 2009 में हुआ था। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट के तहत 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और ये हैं कोटपूतली, विराटनगर, शाहपुरा, फुलेरा, झोटवाड़ा, जमवा रामगढ़ और बानसूर। इस सीट पर यादव समुदाय और जाटों का दबदबा है। इसके अलावा यादव या अहीर समुदाय की कोटपूतली, शाहपुरा, झोटवाड़ा, विराटनगर में सबसे ज्यादा आबादी है। साथ ही फुलेरा, जमवा, रामगढ़ में आबादी 3 लाख से भी ज्यादा है। जयपुर ग्रामीण में साक्षरता दर 64.23% है। इस सीट में अलवर और जयपुर जिले का हिस्सा भी आता है। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर 2014 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर सीपी जोशी मैदान में उतरे थे, लेकिन उन्हें बुरी तरह मुंह की खानी पड़ी थी। यही स्थिति 2019 में कांग्रेस के टिकट पर उतरी कृष्णा पूनिया की भी हुई थी। इस सीट पर मतदाताओं की कुल संख्या 19,33,331 के आसपास है। 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में इस संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों में से 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, जबकि बाकी की 3 सीटें
कांग्रेस के खाते में गई हैं। बीते लोकसभा चुनाव की बात करें, 2009 के चुनाव में लालचंद कटारिया को 2,78,266 वोट, इसके बाद 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को जीत मिली। 2014 में बीजेपी ने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को इस सीट से टिकट दिया और उनको 6,32,930 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की सीपी जोशी 3,34,000 वोटों पर ही सिमट गए। 2019 में प्रचंड मोदी लहर दिखी और राज्यवर्धन सिंह को 8,20,132 वोट मिले, जबकि कांग्रेस से कृष्णा पूनिया 4,26,961 वोट ही हासिल कर पाई। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के चुनाव में स्थानीय मुद्दे तो मायने रखते ही हैं। राजधानी जयपुर में बने चुनावी माहौल का काफी असर पड़ता है। यदि विकास की दृष्टि से देखा जाए तो इस लोकसभा क्षेत्र के ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में लोग सड़क, पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संघर्ष ही करते नजर आते हैं। इन सुविधाओं के लिए यहाँ के लोगों को जयपुर पर निर्भर रहना पड़ता है। खास तौर पर स्वास्थ्य के मामले में तो ये पूरा लोकसभा क्षेत्र जयपुर के SMS अस्पताल पर ही आश्रित है। हालांकि राजनीति के मामले में यहाँ की सभी विधानसभा क्षेत्रों में जयपुर की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही माहौल बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क।